पवन पांडे अयोध्या से, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा होती है, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री हैं। आईपी सिंह यूपी में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता, डॉक्टर मतीन अहमद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ हरि अग्रवाल जी मौजूद हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं विश्व हिंदू परिषद के, हेमंत तिवारी यूपी के बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। स्वागत आप चारों का, पांचों का। पवन पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न शुरू करता हूँ। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम को भुनाकर सत्ता में आई, यहां तक तो ठीक था, अचानक से आपकी सरकार को क्या हो गया है? हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार, और 2012 में जब आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी ने कभी राम के नाम पर सौदा नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने कभी धर्म का सहारा लेकर राजनीति नहीं की है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। और आप अयोध्या और फैजाबाद का इतिहास उठाकर देख सकते हैं, 1992 से लेकर और आज के तारीख तक अयोध्या में जो भी विकास के काम हुए हैं, या तो पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, या 2012 से लेकर और आज की डेट तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया। हम आज जब चुनाव नजदीक आया तो काम नहीं कर रहे हैं। जब 2012 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले अयोध्या की जो सड़कें टूटी फूटी थी, 9 करोड़ से त्वरित आर्थिक योजना से सड़कें बनवाया। अयोध्या में जो सरजू नदी है, सरजू घाटी नदी के किनारे घाटों पर महिलाओं के स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने के लिए चेंज रूम बनवाया, तुलसी उद्यान राजघाट का सौंदर्यीकरण कराया। अयोध्या में मेला होता है, राम का मेला होता है, हनुमान जयंती होती है, सावन मेला होता है, झूला होता है, पूरे हर चौथे महीने वहां कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता है, लाखों लोग आते हैं उनके शौचालय। यही तो पूछ रहा हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, तो नहीं देखिए, ऐसा समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, विकास के नाम पे काम कर वोट मांगती है। समाजवादी पार्टी राम के नाम पर या राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को बेच के काम नहीं करती। हमने अयोध्या का विकास किया, हमने अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया, हमने वहां पर बड़े शौचालय बनाए, हमने वहां सत्संग भवन बनाया, रैन बसेरा बनाया, हम वहां गेट बनवा रहे हैं अच्छे, हम अयोध्या का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग उसको हमने बनवाया, हमने अयोध्या का विकास किया। मंत्री जी प्लीज, आईपी सिंह, आपने पवन पांडे की बात सुनी, मंत्री यूपी सरकार के और वहां के विधायक भी हैं अयोध्या के, ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नाम पर आपको जनता से सेंटीमेंट से खेलते हैं, वोट चाहिए होता है, विकास से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। देखिए, हमारे लिए आस्था का वो केंद्र है, लेकिन मैं श्री पवन पांडे जी को सुन रहा था, निहत्थे कार्यसेवकों पर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, ये देश नहीं भूला है। आप वहां कुछ भी करिए, लेकिन समाजवादी पार्टी को जो 100 करोड़ हिंदू है वो कभी भी मुलायम सिंह को माफ नहीं कर सकता। और रही विकास की बात, वहां कैसे रामायण म्यूजियम बने, उसके लिए जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, भारत सरकार के लिए मिनिस्टर हैं, 3 सर्किट की बात उन्होंने कही थी और ये इसकी घोषणा बहुत पहले कर दी है कि मंदिर दो लॉलीपॉप मत दो। विनय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विनय जी भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मंदिर वहां तभी बन सकता है या तो आपसी विचार विमर्श हो या देश की जो सर्वोच्च अदालत है वो फैसला करते। विनय कटियार ने आपको असहज क्यों किया? विनय कटियार, इसका जवाब तो श्री विनय कटियार जी दे सकते हैं। अभी राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण के तीन ही कारण है, अगर वो हल हो जाते हैं, 3 ही जगह से उसका रास्ता आ सकता है, या तो संसद के अंदर सभी मिलकर सभी राजनीतिक दल बैठकर ये तय कर दे कि भगवान राम के रास्ता। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्यों हर बार बिना राम मंदिर के मुद्दे के चुनाव में नहीं जाते हैं? मेरा बेसिक सवाल आपसे था डॉक्टर मतीन अहमद, आपसे मेरा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जब भी चुनाव आता है तो इस तरह के सेंटीमेंट्स को भुनाने के लिए तमाम राजनीतिक दल सामने आ जाते हैं। इस बार भी आप देख रहे हैं कि चुनाव जैसे ही नजदीक आया तो राम मंदिर का मुद्दा अचानक से उभर कर सामने आ गया। मुलायम सिंह जी को, खास करके समाजवादी पार्टी को, ऐसा महसूस होने लगा कि शायद हमारा कहीं कोई जनाधार घट रहा है, शायद हमारा गुस्सा क्यों रहते हैं? सपा से इतना गुस्सा क्यों? नहीं, मेरा कोई गुस्सा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये तो इश्यू तो उन्होंने खुद दिया है,
भाई ये तो उनको चाहिए था जैसे सैफई में वो कर रहे थे एक और बार बनवा देते कोई सा, ये अयोध्या में जाने की क्या जरूरत थी, ये सिर्फ लोगों को उकसाने का काम कर रही समाजवादी और दंगे पूरे फसादात की फसादात रोक नहीं पा रहे, मूलभूत सुविधाओं से डेंगू से तमाम लोग मरते चले जा रहे हैं, सरकार के पास कोई प्रॉपर वे नहीं है। आज आप मेरा मेरा रिश्तेदार आज ही बना रहे हैं रामायण पे, ये गलत है नहीं, ये जो संग्रहालय का जो बात आ रही है ड्रीम प्रोजेक्ट की बात आ रही है, सिर्फ लोगों को मैं खिला पैदा करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। अपनी सरकार की जो जो अभी पवन पांडे जी कह रहे थे बड़ी बड़ी उपाधियां, कोई उपाधि नहीं कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बिल्कुल जीरो है, कोई किसी आम मुसलमान खुश है सरकार से, आम मुसलमान कहां कुछ बड़ा जबरदस्त नाराज है, हर एक आदमी नाराज है, खास करके ये इशू ला करके मुसलमान बहुत बुरी तरह से नाराज है। हरि अग्रवाल जी, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद बहुत एग्रेसिव रहती है, कैंपेन भी चलाती है, कार्यक्रम भी करती है, लेकिन इस मुद्दे को गर्म तभी क्यों किया जाता है जब चुनाव आ जाते हैं? ये जो भी घोषणाएं हुई है, जो आज चर्चा हम लोग जिस बारे में कर रहे हैं, ये घोषणाएं राजनीतिक दलों ने की है और विश्व हिंदू परिषद हमेशा अच्छे काम का स्वागत करता है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो चाहे केंद्र सरकार हो, और उसमें एक सुझाव आपके चैनल के माध्यम से जिन पार्टी जो मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं आप स्वागत करते हैं उनका? मैं उनका बिल्कुल हृदय से स्वागत करता हूं और एक सुझाव भी उनको आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार ने अपना रामायण म्यूजियम का घोषणा की है उसके पास 19 तक के लिए काफी समय है और वो अपने काम को करके जनता को दिखा सकेंगे, पर जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उस घोषणा के पलट में उसके लिए समय बहुत कम है, फरवरी में चुनाव है, इनको जल्द से जल्द उसका काम शुरू कर देना चाहिए। वहाँ के विधायक और यूपी सरकार के मंत्री भी साथ बैठे हैं, पवन पांडे जी कब तक बनवा देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भजन स्थल का शिलान्यास किया और उसका काम चालू हो गया है, अब थीम पार्क जो है वो रामलीला संकुल केंद्र का एक हिस्सा है, वहाँ पर काम पहले से चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम की शुरुआत की है बहुत जल्दी तैयार कर देंगे उसको, निश्चित रूप से अयोध्या फैजाबाद की जनता को करेंगे। अब तो आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी अच्छा काम करेगा विश्व हिंदू परिषद उसको सपोर्ट करेगी। अगर आपकी नजर में अखिलेश ने अच्छा काम किया है बिल्कुल स्वागत, तो आप सपोर्ट करेंगे विश्व हिंदू परिषद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को? अब अगर वो धरातल पर कार्य आते हैं इस तरीके के तो उस पर सपोर्ट भी होगा। मुद्दा श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए विकास से काम है, हमारे काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया शुरू हो रही है, कुछ खुद भी बताइए, जो हमारे विकास के काम है उनको लेकर के हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, ये तो भाजपा का काम है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी 1992 से लगातार रामलला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, आप बताइए राम मंदिर के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए चंदा इकट्ठा किया, अगर जनता सवाल करे पैसा कहां गया भाजपा के लोग इसका जवाब दें, आप बताइए 84 कोसी परिक्रमा गलत समय पर शुरू करके क्यों माहौल बिगाड़ते हैं, आप बताइए अयोध्या के लिए मैं पूछना चाहता हूँ अयोध्या के लिए कौन सा बड़ा काम इतने दिनों में, भाई राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा के समर्थन से मायावती जी मुख्यमंत्री थी, आप बताइए अयोध्या में कौन सा बड़ा काम किया? आईपीसी आपने तो वादा किया था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आप मंदिर तो नहीं बनवा रहे हैं आप म्यूजियम बनवाने जा रहे हैं। देखिए म्यूजियम पवन की इस बात में दम है कि सब करेंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, वो धार्मिक पर सवाल है, धार्मिक स्थल है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो दुनिया में हिंदू है और भारत में जो 100 करोड़ हिंदू हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, उसका निर्माण प्रारंभ हो, हर व्यक्ति की आस्था भगवान राम में है, लेकिन जो पेचिदगियां फंसी हुई हैं उसके रास्ते मैं बार बार यही कहूंगा उसके रास्ते निकालने का बराबर प्रयास हो रहा है और वचनबद्ध है भारतीय जनता पार्टी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, अवश्य बनेगा, उसका रास्ता निकलेगा और लगातार पार्टी और भारत जब विनय कटियार जैसे नेता आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं तब मसला गंभीर हो जाता है, क्योंकि विनय कटियार बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बीजेपी के जिम्मेदार नेताओं में से एक हैं, उन्होंने आपकी नीयत पर सवाल उठाया और कहा है कि लॉलीपॉप मत दीजिए मंदिर बनाइए, उनके सवाल से आप बच नहीं सकते हैं, आप उनके सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी को सामने आना ही पड़ेगा। देखिए श्री विनय कटियार जी
उत्तर प्रदेश जी देश के बड़े नेता हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं। बात क्यों नहीं मानते? निश्चित तौर पर जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ 25 साल से ज्यादा का वक्त मुझे उनकी ताबीयत केंद्र में हमारी सरकार है। केंद्र में हमारे बयान का मतलब क्या है? केंद्र में हमारी सरकार चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और एक एक कार्यकर्ता और पूरा हिंदू समाज चाहता है। हम अपील करते हैं समाजवादी पार्टी सभी राजनीतिक दलों से कि रास्ता सुगम हो, आप आइए देश की संसद में बहस हो, सब मिलकर कानून पास कर दीजिए। ये टीवी पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो। ये टीवी पर अपील करने से बात नहीं बनेगी ना, इसके लिए कभी ठोस पहल करके दिखाई या जनता से सिर्फ वोट मांगने के लिए आप टीवी पे अपील कर रहे हो? आप अभी पहले जनता की बात का जवाब बाद में देना, पहले आप सुब्रमण्यम स्वामी के बयान का जवाब दे दो जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर का मुद्दा लेकर बीजेपी चुनाव में नहीं गई तो सत्ता में नहीं आ सकती। और आज विनय कटियार ने भी ये बात कही कि लॉलीपॉप मत दीजिए म्यूजियम का, आप मंदिर बनाइए। आपके दो बड़े दिग्गज नेताओं ने उत्तर प्रदेश में क्या बोला है आपको पता है? इस बयान का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, आप उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक सामान्य विधेयक राज्यसभा में पारित कराने की डिबेट से नहीं होगा ना, ठोस पहल थी, ठोस पहल थी, ठोस पहल थी, माहौल बदला है, ठोस पहल थी कि अंत गरीब बदली है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं उसका रास्ता 6 महीने 7 महीने के अंदर निकलेगा और भगवान वोट लेने के बाद निर्माण विधानसभा में वोट लेने के बाद। ओके डॉक्टर मदीन अहमद, ये जिस तरह के स्टेटमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के आए, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट भी आपने सुना और विनय कटियार का भी सुना, तो क्या आने वाले दिनों में इस मसले को और गरमाया जाएगा? क्योंकि इससे लाभ तो समाजवादी पार्टी को भी है। देखिए ये इस तरह की मुनाफरत फैलाने का काम है सिर्फ, ये राजनीति को सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए समाजवादी लगी हुई है। और बीजेपी का इसी तरह का मामला है कि वो चाहते हैं कि मैं किसी तरह से वहां कट के पहुंच जाऊं। इसके लिए जो भी जितनी भी इंसानी जिंदगियों को कत्ल गारतगिरी करना पड़े वो कर लेंगे सारी चीजें, इनको इंसानी जिंदगी से नहीं मामला है। क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस मसले पर एक हैं, मिले हुए हैं क्या? भाई जो मंशा जिस तरह की है, जिस तरह के मामला सामने आ रहे वो साफ 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 जाहिर हो रहा है कि भाई ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये अयोध्या में ही क्यों कर रहे हैं, ये सैभई में कर लेते हैं, कानपुर में कर लेते हैं, बनारस में कर लेते हैं, आपको तकलीफ है, आप सैभई में नहीं कर लेते हो? तो कहेंगे सारा काम सैभई में कर दिया, पूरा है फिरोजाबाद में लोग भजन अस्थल में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? फिरोजाबाद में तो यानी कि आपके मंत्री दिल में भी है जो आप कह नहीं पा रहे हैं, आप अपनी पार्टी लाइन से बंधे में है, पार्टी लाइन से नहीं बंधे हैं। एक बात आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम सम्मान का कोई सम्मान करता तो समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव करते हैं, अगर मुस्लिम के हक के लिए कोई लड़ रहा तो श्री मुलायम सिंह अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। काम हमेशा होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए, चुनाव के पहले भी, चुनाव के समय भी, चुनाव के बाद। पर आप तो बीजेपी का छिपकर एजेंडा चलाते हैं, अब ये विरोधी है तो विरोधी कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, आपने मंदिर आंदोलन चलाया लेकिन आप एक्चुअल रिजल्ट क्या दिया आपने? आप लोग बराबर सेंटीमेंट के साथ विश्व हिंदू परिषद खेल रही है, विश्व हिंदू परिषद आप 1990 से लेकर अब तक अगर देख लें तो विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर आंदोलन में अचीवमेंट क्या है? विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के समाज के लिए काम कर रही है, हिंदू समाज के लिए संगठन का काम कर रही है। और हंसने के अलावा क्या काम किया आपने अयोध्या में? पूरा जो है सारे, अगर ये हिंदू आरोप लगाते हैं कि आप उनके सेंटीमेंट से खेलते हैं तो क्या गलत लगाते हैं? आप मुझे बताइए कि क्या किया आपने? बहुत सारे कार्यों में करोड़ों लोगों का जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने चंदा दिया है, जिनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी थी। पूरा जो है आप बीजेपी के टूल्स हैं लोग कहते हैं, आज पूरा जो है उसका निर्माण का पूरी सामग्री वहां पर इकट्ठा है, सामग्री सारे पत्थर वहां पर तैयार हो चुके हैं। अगर अगर करोड़ों हिंदू आपसे पूछता है अग्रवाल जी कि कब बनाएंगे, आपका जवाब है जब उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मुकदमा चल रहा है वहां से कभी ये पूजा कभी वो पूजा कभी शिलादान कभी ये, कितने सेंटीमेंट्स के साथ आप खेलेंगे लोगों? अगर ये आरोप लगता है आपके ऊपर तो विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार करता है तो क्या गलत है?
जिस हिंदू परिषद सिर्फ हिंदू समाज के लिए काम करता है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई कार्य नहीं करता है, ये लगता है कि वो इस तरीके का काम हो रहा है, लोगों की अपनी सोच है। एक्चुअल स्टेटस क्या है? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद जो पीछे सपोर्ट करती है बीजेपी को, राम मंदिर का मुद्दा एक्चुअल में उत्तर प्रदेश की इस बार के विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर पाएगा? मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, अपने तजुर्बे से कह रहा हूं कि राम मंदिर मुद्दा एक ऐसी सियासी मुद्रा है जिसको एक बार जिसको खर्च कर चुके हैं लोग, जिसका लाभ ले चुके हैं, वो बार बार नहीं चलती। कहां चली आप बताइए, और जो लोग इसको आगे भी कर रहे हैं, चलिए आज मैं शर्मा आगे, नरेंद्र मोदी 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन वहां कैंपेन करने गए तो वहां नहीं गए, उसके बाद कितने बड़े नेता गए, सरकार बने 2.5 साल ज्यादा वक्त हो गया। लेकिन ये वास्तव में एक ऐसा उछल्ला है, माफ करिएगा, हम सबके आराध्य हैं भगवान श्री राम, उनके नाम को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, मार्केट में नहीं बेचा जा सकता, ये इनको पता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2017 के चुनाव पर जो लाइन शुरू हो गई है, फिर 2014 की लाइन एक्सपेक्टेशन है, एक पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन के लिए इस तरह की बात चलती रहेगी। और ये देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर बात की, कल दो डिसीजन हुए थे, अगर पार्क की बात हुई थी तो मदरसा शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने की बात हुई थी, साहब ये यूपी है, यूपी की सियासत इस लाइन में चलती है, 2014 में लोगों ने देखा है, 2017 की जो प्रत्याशाएं हैं उसी पर निगाह है, उसी पर वो है कोई एजेंडा। पवन पांडे जी, क्या माइनॉरिटीज की टैगिंग हटाने के लिए आपकी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार इस तरह का डिसीजन ले रही है ताकि वो बहुसंख्यक वर्ग को भी लुभा सके? आप लोग जिस तरह थीम पार्क बना रहे हैं वहां पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी सारे जाति धर्म और मजहब के लिए काम करते हैं, अभी जैसा बताया उन्होंने समाजवादी मदर, देखिए ऐसा है, मदरसा शिक्षकों के लिए हम काम करते हैं, हज पर जाने वालों, हज पर जाने वालों को भी हम मदद करते हैं, और उसके बाद शिरडी साईं वालों के लिए भी मदद करते हैं, श्रवण यात्रा भी हमारी समाजवादी पार्टी ने दो प्रवक्ता भेजे। देखिए कमल तिवारी जी एकदम सही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कोई भी छुपा सकता। आज आप बता दीजिए, सिंधु धाम की यात्रा हमने शुरू की, हज वालों के लिए हम सहायता करते हैं, सारे लोगों के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। 20 सेकंड, ओके, वक्त कम है, 20 सेकंड, ऑलराइट, 20 सेकंड, आरपी सिंह, प्रतिबद्धता दोहराते हैं, और 20 सेकंड, हम देश की देश के करोड़ों हिंदुओं से हम ये वादा करते हैं कि निश्चित तौर पर भगवान राम का, राम के मंदिर का निर्माण शीघ्र होगा, इसमें किसी प्रकार का बदल चुकी है और इसका रास्ता निकला। आईपीसी, ऑलराइट, नो मंत्री प्लीज, आईपीसी, या तो इस बात की बीजेपी कसम खाए कि भगवान राम के मंदिर का मुद्दा चुनाव में इस्तेमाल नहीं करेगी, फिर आप चाहे डेट बताइए या ना बताइए। देखिए, ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति, ओके ओके ओके, भगवान राम जी का मामला हो चाहे रेल, चाहे कृष्ण भगवान जी का मामला हो, चाहे काशी, ये सब आस्था के लिए क्या है? नो नो नो, मंत्री जी प्लीज, डॉक्टर मदी ने 20 सेकंड, इस मुद्दे पर फाइनल ओपिनियन। इस मुद्दे में देखिए, ये सिर्फ देखिए लड़ रहे हैं ये लोग, क्या करेंगे, ये तो सिर्फ ऐसे, ये तो मिले हुए हैं जी, ये तो सब लोग हम तो समझ रहे हैं, ये सारे लोग आज एक लाइन ऑफ एक्शन बना करके बैठे हुए हैं, और इस तरह से ये बेवकूफ बनाने का काम खास करके भाजपा जो है कर रही है, साहब ये करे, इस तरह से ग्रुप किया जाए, और उसमें थोड़ा सा छोड़ दीजिए मंत्री जी, सिंपली मस्जिद थी 1949 तक के, वहाँ पर बाकायदा समाज के साथ नमाज हुई है, बाकायदा 22-23 दिसंबर को बाबरी मस्जिद में ईशा की नमाज हुई, 22-23 सितंबर की रात को बाकायदा वहाँ पर मूर्ति रखी गई, बाकायदा हरि अग्रवाल जी 20 सेकंड, इस पूरे मुद्दे पर जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, आपकी फाइनल ओपिनियन 20 सेकंड। विश्व हिंदू परिषद ये मानती है कि 488 साल से राम जन्मभूमि मुद्दे का यहाँ पर ये बहस चल रही है, और बाबर के सेनापति वीर बाकी ने इसको तोड़ा था और उसी स्थान पर इस विवादित ढांचे का निर्माण किया गया, और आज वहां पर कोई नमाज अदा नहीं होती थी,
वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर आप बोलने दीजिए, वहाँ पर वो सिर्फ निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया था कि एक जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए वहाँ पर उस हॉल का निर्माण किया गया था। पूरा करेंगे हरि अग्रवाल, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और यदि कोई सत्ता में इस तरह के लोग आते हैं जो लोकसभा में तो आपके लोग हैं ना जिनको आप सपोर्ट करते हैं लोकसभा आपने वादा किया था कि सुंदर पर्षद वालों ने पत्थर लाए हैं ना बत्तीस उड़ गई। फैजाबाद के लोग तो सवाल कर रहे हैं कि सीता मैया है नाराज भाजपा के काम से और वो रुपया खा गए मेरे पति के नाम से, ये तो राजनीति करते हैं। देखिए ऐसा है, मैं इस बात पर असर हूँ जो मेरा अपना सोचना है, ये राम मंदिर अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, कम से कम चुनावी मुद्दा नहीं रह गया। चुनाव के टाइम पे इसका इस्तेमाल जनता समझती है, इसका इस्तेमाल खाली अब जो हो रहा है एक तरीके के पोलराइजेशन के लिए हो रहा है और पोलराइजेशन ही उत्तर प्रदेश में अब चुनावी तकदीर तय करता है। ये 2014 में देखा जा चुका है, इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं, लेकिन पब्लिक 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 है, सब जानती है आखिरी 2.5 साल में कहां थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। ऑलराइट शुक्रिया शुक्रिया पवन पांडे, आई पी सिंह, डॉक्टर मतीन खान, हरि अग्रवाल और हेमंत तिवारी, आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। राम दुआरे सियासी दुखियारे, लेकिन भगवान राम भी ये बात सोचने में मजबूर होंगे कि उनके नाम पर भी किस तरह से उनके भक्त राजनीति कर सकते हैं और कितने दिनों तक उनका नाम घुमा सकते हैं सत्ता पाने के लिए, ये भी उनके लिए भी एक सबक होगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता है, सब जानती है कि कौन किसके साथ किस राजनीतिक मकसद से किस मुद्दे का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो बहुत सोच समझ कर और विकास के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, समाज और मानवता के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, न कि किसी एक मुद्दा विशेष को लेकर जिसको लेकर बहुत लंबे समय से कई राजनीतिक दल आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रात 11:30 पर यही बहस दोबारा से।